इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो, आप कुछ भी कहो और आप कुछ भी करो, आपकी श्रद्धा कहीं ना कहीं तो टिकना चाहती है। नहीं समझ में आया? आप कुछ भी कहो, आपकी जो श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं तो टिकना चाहती है, वो किसी ना किसी के भरोसे तो होना चाहती है। ये बात तो पक्की है। और श्रद्धा को आप सही जगह नहीं टिका पा रहे हैं, ये आपकी अज्ञानता है, आपकी कमी है, आपका अपराध है। श्रद्धा कहीं ना कहीं तो टिकना चाहती है, और आप भरपूर कोशिश भी करते हो कि मैं श्रद्धा को टिका दूं, और आपने टिका भी रखी है जैसी बनी है, लेकिन वहां श्रद्धा टिकती नहीं है। और जब तक श्रद्धा टिकेगी नहीं, तब तक जीव सुखी होगा नहीं, आकुलता मिटेगी नहीं। ये समझ लो अच्छे से, बात ख्याल में आए कि नहीं आए? हमारे घर में उदाहरण दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। हमारे घर में जवान लड़की है, ठीक है, जो उम्र शादी की है हो गई है, और हम उसकी शादी नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, और वो बेचैनी का अनुभव कर रही है लड़की कि शादी नहीं हो रही मेरी, समझना, आकुलता का वेदन कर रही है। तो क्या कहते हैं, पिता भी अंदर परेशान होता है कि इसको इसके घर भेज दो, तभी जाके मेरे को भी शांति पड़ेगी और अपना इसकी भी शांति होता है ना लोग में कि भैया क्या कर रहे हो। ऐसे ही एक श्रद्धा है आत्मा के अंदर, और आत्मा के अंदर जो श्रद्धा है वो अपने आप में कुछ नहीं करे, वो लड़की क्या करेगी, वर कौन ढूंढेगा, पिता ढूंढेगा, शादी की व्यवस्था कौन करेगा, पिता करेगा। ऐसे ही श्रद्धा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शांति सुनना, श्रद्धा कुछ नहीं करती, श्रद्धा कुछ नहीं करती। श्रद्धा तो जब तुम उसे जो जहां टिकाओगे वहां टिक जाएगी, जहां जैसा पर खोजोगे, जिससे शादी करवाओगे लड़की कर लेगी। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि श्रद्धा बेचैन है, और जो जीव के अंदर ज्ञान है, ख्याल में ना, वो ज्ञान सही जगह नहीं लगा रहा है, माने वो श्रद्धा को सही जगह नहीं पहुंचा रहा। अभी मैं क्या कह रहा हूँ मुझे अभी पहली सी लग रही होगी तुम्हें, अभी जब इसका रिजल्ट समझोगी तो समझना। देखो क्या है, हमारे अंदर जो श्रद्धा है, हम अज्ञानता के कारण उस श्रद्धा से कहते हैं कि ये धन है ना, ये तुझे सुखी कर देगा, ये धन, मैंने धन कमा लिया ना, तू धन के भरोसे रहे, ठीक है कि नहीं। हम श्रद्धा से कहते हैं हमने मकान बना लिया बहुत बड़ा, ठीक है कि नहीं, अब तू इसके भरोसे रहे, बस आनंद से रहे, ठीक है। श्रद्धा कहती ओके, श्रद्धा क्या कहती है, ओके। लेकिन थोड़े ही दिनों में तुम कहते हो उसी श्रद्धा से कि ये धन ज्यादा दिन काम आने वाला नहीं है। कौन सा भजन पढ़ते थे, सोना चांदी यहीं पर दौलत के दीवानों, सुन लो, यहीं पड़ा रह जाएगा, सोना चांदी देखो भैया कभी ना काम आएगा। तो श्रद्धा फिर घबराई कि तुमने तो हमें धन के भरोसे टिका दिया था, अब तुम ही कह रहे हो कि धन कुछ काम आने वाला, तो फिर आकुलता पैदा हो जाती है। असलियत पता क्या है, अंदर खाने आप भी जानते हो कि आप जो कर रहे हो वो सदाकाल रहने वाला नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं, बोलो। आपको बुढ़ापा आएगा कि डर सताता है कि नहीं, है कि नहीं साहब, नहीं सताता, नहीं। जब कोई बूढ़े आदमी को देखते हो, उसकी हालत देखते हो, तो फिर एकदम लगता है कि यार ये दशा हो जाएगी, है, घबराहट हो जाती ना, किसी का मकान गिर गया तो घबराहट हो जाती ना, ऐसा ना अपना गिर जाए, किसी का भूकंप आ गया, किसी के घर में कोई मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी को बीमारी हो गई, पता चला था फलाने आदमी को कैंसर हो गया, फलाने आदमी को कैंसर हो गया, फलाने आदमी को कैंसर हो गया, तुम्हें क्या लगने लगता है यार हमें ना हो जाए, तो ये डर क्यों आया, ये भय क्यों आया, इसलिए आया कि सच्चाई है।
तुम इसको कितनी कोशिश करो झुठलाने की, ये सत्य सामने आएगा जाएगा कहाँ। और जब ये सत्य सामने आता है तो फिर घबराहट होती है, फिर तुम कहते हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो श्रद्धा तो देखो भाई कहीं ना कहीं टिकना चाहती है। अब श्री गुरु कहते हैं कि धर्म की इसलिए ही तो जरूरत है कि धर्म तुम्हें वो चीज बताता है जिसमें कभी भी मरने की, वियोग होने की, कटने की, छटने की, परिवर्तन होने की, नाश होने की व्यवस्था नहीं है, उसका ही नाम धर्म है। और श्रद्धा अगर वहां टिका दी उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो ऐसी कौन सा पदार्थ है जगत में, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसकी श्रद्धा करने से जीव कभी दुखी नहीं हो सकता, बोलो। अच्छा कोई ऐसी चीज बताओ तुम दुनिया में जिसकी श्रद्धा करने से जीव सुखी नहीं हो, मतलब दुखी नहीं हो, बताओ। जगत का कोई पदार्थ बताओ, कुछ बताओ। मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है तो उसके अब तो वो कभी दुखी नहीं होगा, अरे बोलो नहीं होगा। अडानी के पास बहुत पैसा है, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े पद पे बैठा है, हैं वो बैठा है वहां पे बाइडेन, अब ये सुखी नहीं होंगे, ए अब ये दुखी नहीं होंगे कभी, गारंटी मरेंगे नहीं, इनका बुढ़ापा नहीं आएगा। अटल बिहारी को मरते देखा है, हैं देखा है ना, अब आडवाणी जी को देखा है, मुरली मनोहर जोशी को देखा है, लालू यादव को कल का वीडियो देखा है, लालू यादव बहुत घबरा रहा, कह रहा सब चले गए अब मेरे ही नंबर है, कल में आएगी नहीं आया, कल कह रहा हूँ परसों के वीडियो में शरद यादव चला गया ना, कह रहा हूँ मेरा बड़े भाई जैसे थे मुलायम भी चले गए, शरद यादव भी चले गए, तो सीधा मैं कह रहा कि मैं भी जाने ही वाला हूँ। बोलो लालू यादव के पुराने वीडियो देखो उठा के, क्या बोलता था, ठीक है कि नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी क्या बोलता था, मुरली मनोहर जोशी क्या बोलता था, अटल बिहारी वाजपेयी की गर्जना होती थी, अब क्या हुआ। अब ये बात तो तुम भी जानते हो कि असत्य तो यही है, अंतुगत्व तो यही होना है। इसका मतलब ये है कि जगत में कितने ही धन इकट्ठा कर लो, कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाओ, कितने ही इज्जत कमा लो, कितने ही जिम योगा कर लो, जो करना है कर लो, कितने ही काजू किशमिश खा लो, कितने ही पद प्रतिष्ठा की द्वेष में आगे चले जाओ, अंतोगत्वा सब खत्म होने वाला है, दी एंड। आपकी सारी मेहनत 2-4-10 साल में खत्म हो जाएगी। आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करता है, वहां तक पहुंचने के लिए कितनी 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 प्रकार के पाप करने पड़ते हैं उसका कल्पना नहीं है, ख्याल में है कि नहीं। और वहां पहुंचकर उस पद पर बने रहने के लिए कितनी आकुलता झेलनी पड़ती है उसकी भी आपको कल्पना नहीं है। और फिर सुनो तो आकुलता बनने में आकुलता, बनने के बाद आकुलता, क्योंकि बना रहे और बना रह सकता नहीं, ये शाश्वत सत्य है। तो जब वो छूटता है फिर परम आकुलता। आपको क्या लगता है कि मोदी तो बहुत सुखी, सुनो वो जितना सुखी है कि नहीं है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन वो हारेगा या पद से हटाया जाएगा, खत्म होगी उसकी कहानी, उस दिन का दुख आप सोच ही नहीं सकते कि आपने वो कभी झेला ही नहीं जो वो झेलेगा। ये जितने भी बड़े पदों पर ये चमक धमक जब मिल जाती है तो जब आदमी को कहते हटो, इतना आप बोलते ऐसा लगता मर जाए कहीं जाके, ये नरक ही है, वो नरक गति नहीं नरक है ही वो। जो आकुलता है मुकेश जी, वैसी आकुलता तो जीव नरक में न भोगे, वो ही बोल रहे समझ गए ना जैन साहब। अब सोचो बात, आपको लगता है कि अरे ये तो अरे भैया आकुलता इतनी इतनी परिणाम ऐसे लगते हैं कि क्या करें, हाँ उसको जो आगे हाईलाइट हो जाता उसको मारने का मन के, इसको मरवा दे, ये नहीं होता तो मैं अभी तक बना रहता, ऐसे भाव। अपना बेटा ही शत्रु दिखे, नहीं समझे। अभी जो व्यापार वगैरह हो तो सब जगह है, जैसे पद है व्यापार है, अब जैसे नेता का बेटा नेता बनेगा तो धीरे धीरे वो ही नेता को अपना बेटा ही शत्रु दिखाई देता है, ये बड़ा हो गया और इसकी मैंने ही राजनीति में एंट्री कराई थी और अब मुझे ही नहीं पूछता, मुलायम का लास्ट में क्या हाल हुआ, ख्याल में है कि नहीं आया, डमी बना दी ये बस जो शांत, और वो कुछ कहने देता नहीं क्योंकि मेरा ही बेटा है, परंपरा की चिंता रहती है।
कि अपनी परंपरा चल जाए, कितने ही दुख भोग ले बेचारा। ऐसे जब व्यापार में जब बेटा बैठ जाता है दुकान पे, पर वो धीरे धीरे वो मेन कुर्सी पे आता जाता है, बाप बाजू वाली कुर्सी पे, फिर और बाजू वाली, फिर और बाजू वाली, और फिर कुछ दिन बाद के तब घर बैठो चल, या डिस्टर्ब मत किया करो। ये संसार का स्वरूप है। अब इससे इनकार कितना करोगे कि बदल जाए? इनकार मत करो, इकरार करो, स्वीकार करो कि भैया ऐसे ही स्वरूप है वस्तु का, यहाँ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो श्री गुरु कहते कि मिथ्या दृष्टि जीव इसलिए दुखी है कि वो अपनी श्रद्धा को गलत जगह लगाता है, जो शाश्वत सत्य नहीं है, जो नियम से बदलेगा। बदलेगा क्या? तुमने देह को अपने देह को अपना माना, श्रद्धा से कहा कि ये देह तुम्हारी है, ये देह तुम हो, ये रंग रूप तुम्हारा है, अभी पलटेगा। देवेन जी पलटेगा कि नहीं? जवानी की फोटो है देवेन जी, दो चार देखो जाके उसको, ऐसा रखना, फिर ऐसा सीन अपना शीशे के सामने खड़े होना, फिर देखना ये कौन है, ख्याल में आए कि नहीं आए। अरे अरविंद जी तुम भी बहुत जवान नहीं हो, तुम भी देख लेना ख्याल में आए कि नहीं आए। जिसको जवानी का भ्रम होना वो जाके देख लेना ख्याल में। अरे आप तो बहुत उम्र पार कर गए, मैं तो अभी देखता हूँ फोटो कि मैं ही हूँ। देख ख्याल में क्या दौड़ लगाता था, क्या जंप करता था है, और अब जरा सा जीना उतरता हूँ तो सांस फूल जाए। क्या है इस संसार का स्वरूप? पहले इतने मजबूत शरीर था कि कुछ भी खाओ, और आज एक रोटी ज़्यादा खा ले तो आफत लगती है। तो ये सब दिखता नहीं है क्या? समझ में नहीं आता कि ये देह पुद्गल की गलने का स्वभाव जिसका है, है? रात और दिन स्थिति अर्धमृतक सम बुढ़ापनो कैसो रूप लखे आपनो, दौलत राम जी कहते हैं ये बात। तो देखो भाई, श्रद्धा कहती है कि शांति से मुझे उस जगह लगाओ जहां बदलने वाला कुछ भी नहीं है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, रिसर्च करो बैठ के एकांत में, देखो कैसी जगत में कौन सी चीज है जिस पे मैं श्रद्धा लगा दूं, जिसमें मैं अपनापन कर लूं और वो सदाकाल बना रहे। देखो जो तुम्हें लगता हो देखो, तो आपके अंदर से जब आप रिसर्च करोगे, गहराई से विचार करोगे, तो एक शुद्धात्मा के अलावा जगत में कोई पदार्थ दिखाई नहीं देगा। और शुद्धात्मा में जिसकी श्रद्धा लग गई, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन क्यों जरूरी है समझ जाओ। शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानियों ने कहा है, आगम में कहा, मूर्खता की बात है। अरे आगम में कहा इसलिए है, ज्ञानियों ने कहा इसलिए है कि जीव उसकी श्रद्धा के बिना सुखी नहीं हो सकता।